ये कनाडा का मॉर्निंग स्टार एरिया है, ब्रांडन गेट मॉर्निंग स्टार। असल में क्या है, इंडिया में तो खाली बोलते हैं कि बसंत ऋतु आ गया, सर्दी का ऋतु आ गया, गर्मी का ऋतु आ गया, बारिश का ऋतु। लेकिन मालूम इधर ही पड़ता है, एक्चुअली मैं आया है कैसे, एज ए विंटर आर्टमन या फॉल जो भी है ना, क्योंकि 4-5 दिन पहले जो हम लोग देख रहा था इधर, पूरा कितना 70-75 सेंटी बर्फ से ढका हुआ था, पूरा वाइट ही वाइट नजर आता था। और 4-5 दिन के अंदर अंदर देखो कितना हरा भरा हो गया, थोड़ा बारिश भी शुरू हो गई है। अभी देखो पेड़ों पे पत्ते निकल आए हैं छोटे छोटे। तो क्योंकि मैं इंडिया में देखा था, हम लोग कुछ घास ऐसा कुछ लगाया था, 3 महीने तक तो उसका वेट करता रहा, पत्ता निकलेगा पत्ता निकलेगा, लेकिन वैसे सूख गया। और इधर 4 दिन के अंदर ही देखो पूरा पेड़ जो सूखा हुआ था पूरा हरा भरा हो गया। तो वेदर चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, ऋतुएं चेंज होती हैं, तो इधर मालूम पड़ता है। पूरा देखो घास पूरा हरा भरा हो गया, पेड़ पौधों पर पूरे पत्ते आ गए, और किसी जो फूल्स आने थे फूल आ गए। देखो पूरा हरा होना शुरू हो गया, नए नए देखो छोटे छोटे ये पीले पीले फूल है, जो कभी इंडिया में भी होता था ऐसा घास, अभी तो शायद नहीं होता। ये देखो जिधर भी देखो कभी पूरा हरा भरा नजर आता है, छोटे छोटे पेड़ों पे पत्ते, उनके फूल फल फल तो है, कुछ पेड़ों पे अभी नहीं आए, लेकिन हरा हरा होना शुरू हो गया, पूरा हरा भरा देखो। वो देखो सामने पार्क है जो स्कूल का, उसमें घर के सामने पार्क है, रोड के दोनों साइड में। और जो ये पेड़ है बिल्कुल सूख गया था, अभी देखो कितना हरा भरा हो गया, फूट गया पूरा, नई नई पोपल सी फूट रही है इनकी। हैरान है कि अभी जितना बारिश बर्फ था, अभी देखो 4 दिन के बाद जैसा मतलब चेंज हो गया पूरा। ये सामने पार्क है देखो पूरा हरा भरा हो गया, शेर भी लगाया है किसी ने घर के सामने पेड़। पूरा पत्ता आना शुरू हो गया, ये देखो। मैं रियलिटी में इधर मालूम पड़ता है कि मौसम कैसे चेंज होता है, वेदर कैसे चेंज होता है, ऋतु कैसे चेंज हो रही है। अभी देखो ये पेड़ है, इसी से देखते हैं, देखो ये देखो पूरा नया नया पत्ता, पूरा नया नया मतलब पत्ता में शुरू हो गया, जबकि उधर इंडिया में 3-4 महीना वेट करते रहते हैं कब आएगा इसमें पत्ता, कब आएगा, एक एक पत्ता गिनते रहते हैं। और ये देखो 4 दिन पूरा कितना बड़ा हो गया, पूरा रोड के दोनों साइड में हरा भरा हो गया। ये देखो कितने पत्ते पत्ते के पूरा हरा भरा हो गया, पूरा ग्रो कर गया। देखिए एक्चुअली में ऋतुएं मौसम चेंज होता है, इधर मालूम पड़ता है कितना बर्फ ही बर्फ था, उसके बाद पूरा पत्ता झड़ गया, सूखा हुआ पेड़ था। अभी देखो इतना दोनों साइड में पूरा हरा भरा, मन लगता है बंदा, और हेल्थ भी सही रहता है, इधर का एनवायरनमेंट पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, AQI ये 30 से नीचे रहता है, कहाँ इंडिया में 150 से नीचे आता है तो खुश होता है बंदा, हाँ अभी तो पोल्यूशन ठीक है। ये देखो पूरा नया नया पत्ता रहा है। चलो जी ओके जी, आज के लिए इतने है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बलवंत हरियाणा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। ये देखो कनाडा वेदर ऐसे चेंज होता है, अभी मेरे ख्याल से 1 हफ्ता पहले पूरी स्नोफॉल हो रहा था, बर्फ ही बर्फ थी, अभी देख लो पूरा हरियाली है, पूरा हरा भरा, अभी देखो ना पूरा हरा भरा,
सालों का तो नाम निशान नहीं। ऐसा लगता है जैसे बर्फ तो कभी पड़ी ही नहीं इधर कनाडा में, ठंडी तो हुई नहीं, पूरा हरा भरा हो पूरा हरा भरा हो, ऐसे पता लगता है इधर वेदर चेंज होता है। लगता है इंडिया में भी होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा मौसम का इतना हिसाब किताब नहीं रहता, सब ठीक रहे। पूरा आज टेम्परेचर 26 है और इंडिया का 27, तो ये देखो ऐसा हो रहा है कि जैसे ठंडी पड़ी ये ब्रह्म रह दिया अभी एरिया में। पूरा देखो पूरा हरा भरा, जिधर भी देखो पूरा हरा भरा। सबसे अच्छा सिस्टम देखो रोड का, ये रोड है ये पेस्ट्रियन एक्सेस है, इसके बाद पूरा ग्रीन ग्रीन फूल है साथ में। सिस्टम ये सिग्नल का हम तो देखना कितनी अच्छी धूप निकल रही है। अब तो कनाडा का नज़ारा अलग ही हो रहा है। ये गाड़ी है क्या है? सब पेड़ पौधे पूरे ढक दिए, पौना पौना मीटर आधा मीटर से भी ज़्यादा आ गए। चलो फर्स्ट टाइम ऐसा नज़ारा देख रहा, देखो जैसे चांद के ऊपर गया हो बंदा, इतना इतना बर्फ पड़ा है पूरी नाइट। ये देखो देखो गाड़ी का क्या हाल हो रहा है, लोग ऐसे घूम रहे हैं गाड़ियों में। पेड़ के ऊपर चढ़ गई पूरी बर्फ, बर्फ में घूमते रहो जैसे वो चांद पे नहीं है। ये तो चांद पे घूम रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे चांद पे घूम रहे हो बंदे। देखो इतनी इतनी बर्फ दोनों साइड में।